सांवेर विधानसभा क्षेत्र के शिप्रा के अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने को लेकर मोर्चा खोल दिया और कलेक्टर के समक्ष अपनी परेशानियां रखी। लोगों ने इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। शिप्रा क्षेत्र के बूढ़ी बिलाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत दुर्गा नगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने के कारण रेवा सीजन इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पंचायत क्षेत्र विधायक के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्दी होने को है तो वहीं जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को लेकर लोग अब सामने आकर सवाल उठाने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो वीडियो दिख रहा है यह इंदौर संसदीय क्षेत्र के सांवेर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बूढ़ी बरलाई की दुर्गा कॉलोनी के रहवासी हैं, जो सड़क बिजली पानी सहित तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर लोगों ने बताया कि दुर्गा कॉलोनी में करीब 60 परिवारों के लगभग 300 से अधिक लोग निवास करते हैं। कॉलोनी में पक्की नाली सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्षेत्र में अंधेरा दूर करने के लिए बिजली व्यवस्था सहित तमाम मांगे उन्होंने रखी और लोगों ने आरोप लगाया कि दुर्गा कॉलोनी में आवंटित शासकीय जमीन पर धर्मशाला और मंदिर निर्माण होना है, जिसको लेकर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली बेहद खराब है। रहवासियों ने इस दौरान क्षेत्र विधायक और मंत्री तुलसीराम सिलावट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। क्या समस्या आपको? हम शिप्रा बूढ़ी बरलाई दुर्गा कॉलोनी जिला इंदौर तहसील सांवेर से आए और हमारी कॉलोनी की समस्या को लेकर आए हैं, जिसके लिए हम ग्राम पंचायत शिप्रा पंचायत में भी हम आवेदन दे चुके हैं, तहसीलदार टप्पे पे भी आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम साहब कलेक्टर साहब सबके लिए आवेदन दे चुके हैं हम, और हमारे अभी तक कोई चीज़ का समाधान नहीं हुआ है। विधायक कौन है? विधायक तुलसी सिलावट जी। शिकायत सर हमने मतलब बात की है लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं हो, और हमको ये आश्वासन मिलता है या पंचायत में जाकर आवेदन दो, आपका तत्काल समाधान होगा। और हम पंचायत में गए भी सही लेकिन पंचायत से हमको यही आश्वासन दिया गया है कि एक या दो दिन में हम आपके पास आके इस चीज़ का समाधान करेंगे। आप लोग बोलते हैं कि आप वोट मांगने आते हैं? हाँ, बस वोट मांगने के टाइम पे वो आएंगे, इसके बाद आगे कॉलोनी में जाके भी नहीं कि कॉलोनी में क्या समस्या है, कि क्या समस्या है या नहीं है। अभी हमारे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। कल भी हमारे एक मोहल्ले में चोर घुस गया रात को, उसकी भी रकम उड़ा ली थी वापस, उसके लिए भी हम सब गिरा। कलेक्टर साहब के पास आया, आज आवेदन दिया है, हमको यहाँ से भी आश्वासन दिया जा रहा है और अभी नंबर लगा हुआ है, जैसे ही नंबर हमारा आता है हम हमारा प्रस्ताव रखेंगे। हमारी समस्या है कि जो चौकीदार की सार्वजनिक धर्म वो जमीन है, जितेंद्र जी, तो क्या आगे चुनाव आ रहा है सर? इस तरीके से तो लगता नहीं कि इस बार बीजेपी का कुछ होगा, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है। आप लोग बहिष्कार करोगे क्या चुनाव? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल संगठन होके हमारी दुर्गा कॉलोनी से बहिष्कार करेंगे। एक तरफा चुनाव होगा। सिलावट जी फिर आए आपके पास वोट मांगने के लिए? बिल्कुल आएंगे सर, वो आएंगे बिल्कुल। क्या बोलेंगे आप उनको? हम सर पहले हमारे विकास, हमारे जो कॉलोनी में जो समस्या है उस चीज का समाधान किया जाए, हम समाधान चाहते हैं। नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल। आप लोग जो है कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में आए, क्या मामला कहाँ से और किस? हमारा मामला सब, हम आए बूढ़ी बरलाई शिप्रा से, जो सांवेर क्षेत्र में लगता है, तहसील हमारी सांवेर लगती है, दुर्गा कॉलोनी हमारा निवास स्थान। 50 साल हो गए हैं रहते रहते, मतलब वहाँ पर सबसे बड़ी हमारी समस्या यह है, 50 साल हो गए हैं इसको कॉलोनी को विकसित हुए हुए, वो कॉलोनी अभी तक वैध नहीं है, ना उसका पट्टा मिला है, ना कुछ भी नहीं मिला है। क्या समस्या आ रही है इसका? समस्या कुछ भी नहीं है सर, वोट लेना रहे वो कुछ भी, इनका जो काम हो पंचायत का हो, कोई भी उनका जो चुनावी माहौल बनता हो तब हर काम उनके होते हैं। वोट लेना आपके पास? पंचायत आती है, सरपंच का चुनाव आता है। क्या है क्या वहाँ पर? आपका विधायक कौन है? विधायक हमारी मांगे सर ये है, सिलावट, तुलसीराम जी सिलावट। क्या तुलसी सिलावट को आपने शिकायत करी इस मामले में? अभी तक नहीं की, हमने अब प्रोसेस आगे पंचायत से आवेदन दिया, हमने तहसील में आवेदन दिया है, अब यहाँ पर हम कार्यालय लग बात। आपका नाम बता? अजय दाइमा। ब्रिज निकली क्यों का? ब्रिज को पानी पूरा जा रही है, बच्चा निकली नहीं पा रही है हमारा, रो नाली नहीं है बिल्कुल, रोड खराब है हमारा, निकली नहीं पा रही है, जिसका बाद में हमारा धर्मशाला नहीं है, कुछ कार्यक्रम करता था हमारे, कुछ कार्यक्रम की बहुत अफत आती है, मंदिर नहीं है हमारे इधर, वो हमारी सब समस्या हाल होना चाहिए। विधायक तुलसी सिलावट। कितने साल से आप रह रहे हैं इस गांव? हमारे 50 साल हो गया सर। 50 साल? हाँ 50 साल से वो फर हो गया सर। पट्टे भी नहीं बना? हाँ पट्टे तक नहीं है सर हमारे, और हमारे आवत कॉलोनी बोले सब आवत कॉलोनी, फिर हमारा बोर्ड भी ले रहा, हमारा बिल बिजली बिल भी रहा, सब कुछ हो रहा पहले, फिर आवत कॉलोनी क्यों हमारी? आपका नाम? राम कन्या जी। बोल रही हूँ ममता जामले, वहाँ के पंच हूँ दुर्गा कॉलोनी की। हमारी समस्या लेके आए हैं यहाँ पर
कि पहले तुलसी सिलावट को भी हमने बोला था मगर ना हमारी मांगे पूरी नहीं करी है। अभी हमारे यहाँ पर इतनी परेशानी है कि घूस गली बन गई बिल्कुल, ना हमारे यहाँ पानी की समस्या हल हो रही है, ना बिजली के बिल की हमें समस्या हल हो रही है, ना तो ना धर्मशाला है, ना रोड भी ऐसा है, बिल्कुल पतली सी गली बना दी हमारे यहाँ। चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तुलसी सिलावट वापस वोट मांगने आएंगे तो क्या कहना? हमारी मांगे पूरी करो, वोट ले लो। हम तो यही कहेंगे ना, पहले भी हमने बोला था मगर हमारी मांगे ही नहीं पूरी करी, तो हम कैसे विश्वास करेंगे, कैसे वोट देंगे बताओ हमें। आपका नाम बताइए? ममता जामले है मैं।